तो फाइनली मार्वल स्टूडियो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में स्पेशल प्रेजेंटेशन देने वाला है, जिसमें कि वो न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस करेगा, जो कि यूएस का टाइम और डेट है 27 जुलाई शाम को 6 बजे और इंडियन जो टाइम है वो है 28 जुलाई सुबह 6:30 बजे से आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या रिलीज होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है, जब मैं उस गुफा से जिंदा निकला, आयरन मैन बना, प्यार कर बैठा तुमसे। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे सैन डिएगो कॉमिक कॉन में होने वाले मार्वल के इवेंट में, जो कि न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाले हैं, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या रिलीज होने वाले हैं, क्या रूमर्स हैं, तो एवरीथिंग, हर चीज के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन, जो कि होने वाला है 27 जुलाई को शाम को 6 बजे यूएस के टाइम के हिसाब से, पर इंडिया का जो टाइम होगा वो होगा 28 जुलाई मॉर्निंग में सुबह 6:30 पर, यानी मॉर्निंग से आपको सैन डिएगो कॉमिक कॉन में होने मार्वल के इवेंट के सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। पर अगर आपने मुझे एक्स हैंडल पे फॉलो कर रखा है, तो आपको सारे अपडेट सबसे पहले सोशल मीडिया पे मैं ही दूंगा, और उसके बाद हम एक फुल वीडियो बनाएंगे जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन पर होगा, जिसमें कि मैं हर इवेंट के बारे में, हर अनाउंसमेंट के बारे में बात करूंगा। पर उससे पहले क्या क्या प्रेडिक्शन आई है, क्या क्या रूमर्स आए हैं, तो जो जो अनाउंस होने वाला है, चलिए हर चीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अब तक रिलीज हो चुका है, जो मार्वल रिलीज कर चुका है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो ऑफिशियली उसका हमें सिनॉप्सिस देखने को मिल सकता है। एंटायर कास्ट सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में आएंगी और अपनी मूवी के बारे में बताएंगी, तो थोड़ा सा हमें जो स्टोरी का सिनॉप्सिस है, छोटा सा जो प्लॉट है, वो पता चलेगा। फिर उसके बाद सेकंड जो अपडेट है वो है फैंटास्टिक फोर। तो फैंटास्टिक फोर काफी पहले अनाउंस हो चुकी थी, उसकी कास्टिंग अनाउंस नहीं हुई थी, पर अभी हाल ही में बीच बीच में कास्टिंग का अपडेट हम सबको मिलता रहा, जैसा कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पर बताया था, और उसी के साथ उसकी भी एंटायर कास्ट उस सेट पर आएगी सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट के दौरान, और हमें हर चीज के बारे में अपडेट में पता चलेगा। चलिए बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में, जो कि थंडरबोल्ट से रिलेटेड। तो फाइनली थंडरबोल्ट का हमें एक्सक्लूसिव ट्रेलर देखने को मिलेगा, जो कि शायद इवेंट में ही दिखाया जाए, ऑनलाइन रिलीज ना करें और कुछ टाइम बाद ऑनलाइन रिलीज करेंगे, उसका ऑफिशियली सिनॉप्सिस भी हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। और अब बात करते हैं कुछ न्यू अनाउंसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले ब्लेड काफी टाइम पहले अनाउंस हो गई थी, तो वो डिले हो गई क्योंकि राइटर ने छोड़ दिया उस मूवी को, डायरेक्टर ने छोड़ दिया, पर अब न्यू राइटर डायरेक्टर और प्लस न्यू अनाउंसमेंट और न्यू लोगो के साथ हमें कुछ देखने को मिल सकता है ब्लेड से रिलेटेड। तो ब्लेड कौन से ईयर में रिलीज होगी, क्या लाइनअप रहेगा ब्लेड का, और न्यू लोगो कैसा होगा, वो सब हमें देखने को मिल सकता है। उसी के साथ अब बात करते हैं आर्मर वॉर का न्यू लोगो देखने को मिल सकता है, डेट तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, पहले सीरीज बननी थी अब मूवी बनेगी, रिलीजिंग डेट पहले से कंफर्म है, अब इसका न्यू लोगो भी हमें देखने को मिल सकता है और एंटायर कास्ट इसकी भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में आ सकती है। अब बात करते हैं शैंग्ची 2 के बारे में। तो ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं है, पर शैंग्ची 2 ऑफिशियली अनाउंस हो सकती है, और इसमें एक नोट करने वाली बात है कि शैंग्ची 2 शायद मे बी हमें D23 में भी देखने को मिल सकती है अनाउंसमेंट में। अगर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंसमेंट नहीं हुई तो D23 में तो देखने को पक्का मिलेगी। अगर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अगर अनाउंस होती तो रिलीजिंग डेट प्लस लोगो और लाइनअप में कौन से ईयर में रिलीज होगी वो हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का भी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, न्यू लोगो देखने को मिल सकता है, और उसी के साथ एक और मूवी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि है यंग एवेंजर्स, उसका भी लोगो, पर रिलीजिंग डेट अनाउंस नहीं कर सकते हैं, शायद मे बी रिलीजिंग डेट अनाउंस करें D23 में। अब बात करते हैं एक ऐसे रूमर के बारे में जो कि बहुत टाइम से आ रहा है, शायद सैन डिएगो कॉमिक कॉन में आपको स्कारलेट विच की मूवी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, मूवी यानी कि न्यू डायरेक्टर अनाउंस हो सकते हैं, और इस मूवी को बना भी रहे हैं या नहीं, तो ये सारे रूमर्स अब शायद सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कंफर्म हो जाए, पर बहुत टाइम से रूमर्स आ रहे हैं कि स्कारलेट विच पर एक सोलो मूवी बनेगी। बाकी मुझे तो यकीन नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अपडेट दे दिया जाए। उसी के साथ अगला जो अपडेट है मिडनाइट सन को लेकर, तो इसके ऊपर भी ये नहीं एमसीयू के अंदर बात चल रही है, और शायद ये मूवी भी अनाउंस हो सकती है न्यू लोगों के साथ, और लाइनअप में कौन सी ईयर में रिलीज होगी वो भी शायद पता चल जाएगा। अब बात करते हैं मार्वल की स्टूडियो की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी भी अनाउंस हो सकती है इस साल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। इससे पहले तो हम व्हाट इफ जैसे शो देखते आ रहे थे एनिमेटेड, पर अब ऑफिशियली एक मूवी भी देखने को मिल सकती है। अब कौन से कैरेक्टर पे होगी ये अभी तक कंफर्म नहीं है, पर ऑफिशियली एक मूवी अनाउंस हो सकती है सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। उसी के साथ अगली एक्समैन मूवी भी अनाउंस हो सकती है सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। जी हाँ, और कौन कौन से कैरेक्टर होंगे इस मूवी में वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शायद कास्ट ऑफिशियली इस तरीके से अनाउंस करेंगे, शायद मूवी अनाउंस करके छोड़ दें। बाकी D23 में हमें एक्समैन के कैरेक्टर भी पता चल सकते हैं, एंटायर कास्ट क्या होने वाली है एक्समैन मूवी में। चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 अपडेट के बारे में, जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे
पहला जो अपडेट है वो है एवेंजर 5 से रिलेटिव। तो सबसे पहले हमें इसका न्यू टाइटल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कैंग डायनेस्टी जो टाइटल था वो शायद अब नहीं रहेगा, अब एवेंजर 5 हो चुका है। अब एवेंजर 5 के बाद न्यू टाइटल क्या होगा एवेंजर 5 का, वो देखना है कि क्या अनाउंस हो सकता है। उसी के साथ इस मूवी का राइटर भी अनाउंस हो सकता है और डायरेक्टर भी अनाउंस हो सकता है, क्योंकि अभी तक मूवी का कोई भी कन्फर्म नहीं हुआ है। अब बात करते हैं एवेंजर सीक्रेट वॉर के न्यू डायरेक्टर के बारे में, तो वो भी अनाउंस हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद एमसीयू एक ही डायरेक्टर को हायर कर सकता है जो कि एवेंजर 5 और एवेंजर 6 बनाएगा, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम के दौरान हुआ था। दोनों के टाइटल अलग अलग थे पर राइटर और डायरेक्टर सेम ही थे, जिससे कि स्टोरी को कंटिन्यूस करने में आसानी हो, क्योंकि अलग अलग डायरेक्टर के हाथ में अगर ये मूवी देंगे तो शायद ऊपर नीचे मामला हो सकता है। तो बहुत बड़ी लेवल की मूवी है और एवेंजर 5 में तो टोटल 60 कैरेक्टर रिटर्न हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ अब बात करते हैं थॉर 5 अनाउंसमेंट के बारे में, जो कि शायद इस इवेंट की सबसे लास्ट अनाउंसमेंट हो सकती है कि थॉर 5 का न्यू लोगो और थॉर 5 अनाउंसमेंट हो सकती है। बाकी रिलीजिंग डेट क्या होगी वो हमें D23 में ही पता चलेगा, क्योंकि D23 भी अक्टूबर के मंथ में होने वाला है और इस इवेंट में हमें सारी वो नई चीजें देखने को मिलेंगी जो कि शायद सैंडिएगो कॉमिक कॉन में ना मिले। पर हाँ, केविन फाइगी ने पहले से कंफर्म कर दिया कि जितने भी आपको सारे अपडेट होंगे वो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं और ऑडियंस और फैंस बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं। तो गाइस, ये सब अपडेट आपको जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और उसी के साथ अगर आपने सोशल मीडिया अभी तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लो और एक्स हैंडल पर जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको सैंडिएगो कॉमिक कॉन के मैं उधर ही दूंगा। तो बाय बाय, जा रहा हूँ।